गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डिसलोकेशंस ऑफ जॉइंट्स। एज वी हैव ऑलरेडी रीड आउट एंड स्टडी अबाउट द सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज एंड फ्रैक्चर्स, नाउ टुडे वी विल स्टडी on joint dislocations. Joint dislocations is a main injury. Dislocation of joints can occur to contact sports such as football, hockey in sports, and that may involve falls such as downhill skiing, wrestling, gymnastic, volleyball. Dislocation of joints किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकती है, फुटबॉल, हॉकी, यहाँ तक कि रेसलिंग, कबड्डी, खो खो, इन एनी स्पोर्ट्स वी कैन से, नॉट वन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और वन और टू स्पोर्ट्स, इन एवरी स्पोर्ट्स डिसलोकेशन कैन बी हैपन, एंड स्पेशली ऑन डाउन हिल्स, जब हम ढलान से नीचे आते हैं उस वक्त भी ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम पूरी प्रिवेंशंस के साथ, अपनी सेफ्टी के साथ कोई भी स्टेप लें। द प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल यूजुअली फेस डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स इन देयर फिंगर्स हैंड्स बाय स्ट्रिंग द बॉल। किसी भी गेम के अंदर, नॉट ओनली इन फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन एवरी स्पोर्ट्स there is a chances of dislocation. Now we will discuss on the dislocation of jaw. Jaw अपने जबड़े पर, जो एक तरीके से जबड़ा होता है इंसान का, उसके यहाँ पर dislocation के chances रहते हैं। It occurs when the chin strikes any other objects forcefully. ये तब होता है जब चीन अपनी किसी भी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है। इट मे ऑल्सो ओकर्स इन माउथ इज ओपन, या फिर मुंह खुला हुआ रहता है किसी भी काम को करते हुए। तो चीन का किसी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट से टकरा जाना, यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इन रेसलिंग, दो खिलाड़ी जब आपस में अपनी ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं अपोनेंट्स के अगेंस्ट, उस वक्त ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन डिसलोकेशन ऑफ जॉ जो मोस्टली देखने को मिलता है, वो हमें बॉक्सिंग के अंदर ज़्यादा मिलता है। जब हम कोई खिलाड़ी अपर कट का इस्तेमाल करता है, उस वक्त में डिसलोकेशन ऑफ जॉ का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगला जो है हमारा डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स। Dislocation of shoulder joint may cause due to sudden jerk or a fall on hard surface. अचानक किसी hard surface पर गिर जाने से या jerk कर जाने से हमें dislocation of joints हो सकता है। The end of humerus, जो हमारी भुजा की जो हड्डी होती है, बाहों की जो हड्डी होती है बड़ी, comes out of the सॉकेट। उसके जो लास्ट में एक बॉल बना होता है, वो सॉकेट से, उसका जो फिटिंग एरिया है बॉल का, वहाँ उस सॉकेट से वो बाहर आ जाता है। इनफैक्ट व्हेन योर शोल्डर्स डिसलोकेट, जब आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, ए स्ट्रॉन्ग फोर्स सच एज सडन फ्लो ब्लो टू योर शोल्डर्स, तो आपके शोल्डर्स पर अचानक एक भार आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा भारीपन आ जाता है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि अब तक जो भी फोर्स था वो जॉइंट्स के जरिए ट्रांसफ़र होता रहता था, लेकिन जब जॉइंट ही डिसलोकेट हो गया तो वो फोर्स आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, और एक तरीके से जो भी आपकी आर्म का वज़न है वो शोल्डर्स पर आ जाता है। एक्सट्रीम रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कैन पॉप सॉकेट्स विच इज़ ए पार्ट ऑफ शोल्डर ब्लेड स्केपला, and they can be partial dislocation of shoulder joints when upper arm bone is partially in or partially out of the shoulder sockets. ये चीज़ हम जब भी देखते हैं, जब हमारी
जो हड्डी होती है कंधे की पीछे की तरफ, उसके ऊपर भी भार आ जाता है तब जब हमारा शोल्डर नॉट इन प्रॉपर डिसलोकेशन की कंडीशन में होता है, यानी कुछ तो उसका पार्ट अंदर होता है, कुछ ऊपर निकला हुआ रहता है उस जगह पर सॉकेट से बाहर और कुछ सॉकेट के अंदर ही रहता है, वहाँ पर हमारी हड्डी पर भी जोर आता है। आगे हम देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। पुटिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑन स्पॉन्टियसली मे कॉज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट्स। अपने हिप्स के जॉइंट पर अचानक बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी अपन कह सकते हैं अत्यधिक भार डालना और उस भार को लेकर के चलना, या फिर किसी वजह से अचानक अननेचुरल मूवमेंट्स कर जाना, यह हमारे डिसलोकेशन ऑफ हिप्स का कारण रहता है। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। ए स्पोर्ट्स पर्सन हु पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट्स और गेम इन विच ही मे फॉल रन्स द रिस्क ऑफ गेटिंग ए डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। चाहे से वो कोई सा भी गेम हो, उसमें डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट के चांसेस रहते हैं। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट इस पे कई बार रनिंग से भी हो जाती है, या अचानक किसी हार्ड सरफेस पर गिरना, या गिरते हुए अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना, वहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ए मिसकैलकुलेटेड लैंडिंग कैन ऑल्सो कॉज डिसलोकेशन रिस्ट। एक तरीके से बिना सोचे समझे लैंडिंग करना, फॉर एग्ज़ाम्पल इन लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पॉल वॉल्ट और इन जिमनास्टिक, अब हम वहाँ पर अगर मिसकैलकुलेटिंग मतलब अपने स्टेप्स थोड़े से आउट हो जाते हैं, तो वहाँ हम बॉडी को बैलेंस करने के लिए अक्सर अपने हाथों को या हार्ड सरफेस पर गिरने से बचने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट इट इज़ जनरली ऑकर्स टू ए पर्सन हु यूजेज हिज हैंड टू ब्रेक हिज फॉल, इट कैन बी वेरी पेनफुल। एक्चुअल कॉज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट मे बी ए फॉल और मिसकैलकुलेटेड मूव। वही चीज़ इसमें कही जा रही है कि हम अगर स्पेशल कारण माने तो इसका यही है कि या तो अचानक गिर जाना या फिर मिसकैलकुलेशन होना। रिस्ट डिसलोकेशंस आर कॉमन इन वेरियस स्पोर्ट्स, दैट इज फुटबॉल, आइस स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, स्केटिंग, इन एवरी, नॉट वन और थ्री, इन एवरी स्पोर्ट्स देयर कैन बी एनी डिसलोकेशन और एनी इंजरी कैन बी हैपन, एनी इंजरी। नाउ रीड आउट प्रिवेंशंस। सावधानियाँ इसकी यही रहती हैं जो नॉर्मली अपन हर इंजरी से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब adequate warm up should be performed prior into any physical activities, proper conditioning should be done in preparatory periods, stretching exercise should be included in warm up, players should be careful and alert during the practice and competitions. There is similar preventions for every injury, whether it is soft tissues injuries, fracture or dislocation of joints. Now we will read the causes of sports injuries. Here we are, first topic, cause is improper conditioning. For better performance in sport, it is necessary to do proper conditioning. If proper conditioning is not done, there may be maximum chances of acquiring injuries. Without proper conditioning, it is but natural to get injured in sports. Proper conditioning, हम यही कहेंगे proper conditioning के अंदर कि अगर हमें जाकर के पहले वहाँ की सतह को निरीक्षण करना चाहिए, कोई भी हमारा प्लेग्राउंड है उसको हमें देखना चाहिए कि उसकी सरफेस कैसी है, वहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर है, उसमें कितनी नमी है या उसके अंदर कितनी रफनेस है, यहाँ पर हमें गेम खेलने में कैसा रहता है, कहाँ पर उसकी सरफेस में थोड़ा डाउन हिल है, थोड़ा ढलान है, थोड़ा ऊँचा सरफेस है, ये सारी कंडीशंस हमें
पहले समझ लेनी चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा अगर मौका मिले तो हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, थोड़ी वार्मिंग प्रैक्टिस अगर हम उस पर कर लेते हैं तो हमारा एक बैलेंस बन जाता है, हम समझने लगते हैं कंडीशंस के बारे में उस ग्राउंड में। इसी तरीके से सेकंड है इम्प्रॉपर वार्मिंग अप। हम पहले ही देख चुके हैं कि वार्मिंग अप होनी चाहिए प्रॉपरली, बिल्कुल सही तरीके से वार्म अप होना चाहिए, ना कि एक इम्प्रॉपर वे में वार्म अप होना चाहिए। पहले जनरल बेसिक वार्मिंग अप होनी चाहिए, उसके बाद हमें स्पेसिफिक जो भी हमारा गेम है उस गेम से रिलेटेड वार्मिंग अप हमें करनी चाहिए। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमें एक तरीके से बॉलर हैं तो बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए आफ्टर जनरल वार्मिंग अप, और अगर हम बैट्समैन हैं तो हमें नॉकिंग करनी चाहिए, फील्डिंग के अंदर कॉमन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैचिंग की प्रैक्टिस हर चीज़ की, थ्रो की, एवरीथिंग। इसी तरीके से रेसलर्स है तो वो अपनी जनरल वार्मिंग अप करके फिर उसे अपनी टेक्निक का बहुत सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बॉक्सर है तो उसे पंचेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, नॉट सो मच हाई लेवल बट ऑन फॉर वार्मिंग अप, तो हर गेम के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग मेन रीज़न रहता है किसी भी इंजरी का वो रहता है अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान हमें पूरी कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हैं। अब इसको हम देख भी सकते हैं कि देखिए देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ एक्यूरेंस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज टू द एथलीट प्लेयर हु परफॉर्मिंग ट्रेनिंग इन अनसाइंटिफिक वे। इट मीन्स एन एथलीट शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट ओवर ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ साइंटिफिक लॉज द स्पोर्ट्स पर्सन मे बी ईजली इंजर्ड। हम अगर ट्रेनिंग को देखें तो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल से 12, उन 12 प्रिंसिपल्स के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी ट्रेनिंग हो रही है हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करें। अगर हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अपनी इंजरीज़ के। हमें ट्रेनिंग हमेशा साइंटिफिक वे से, यानी कि जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से ही करनी चाहिए। पहला एक तरीके से कंटिन्यूटी में होनी चाहिए प्रैक्टिस, बार बार रेस्ट नहीं करें, अगर रेस्ट करते हैं तो वापस बॉडी को वार्म अप करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ओवरलोड नहीं होना चाहिए ज़्यादा, उसके अलावा इंडिविजुअल्स की पहचान होनी चाहिए कोचेस को, कौन सी कोच कौन सा खिलाड़ी उसकी इंडिविजुअल्स कितनी है, वो किस तरीके की बनावट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ स्पेसिफिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी गेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो जो गेम की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऑफ। इसी के बहुत सारे ऐसे 12 प्रिंसिपल्स हैं जो हम कर सकते हैं, उनको फॉलो करने के बाद हम आराम से ट्रेनिंग को साइंटिफिक वे से तो हमें इंजरीज के चांसेस काफ़ी कम हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं लैक ऑफ फिटनेस। फिटनेस हमारे अंदर प्रॉपर होनी चाहिए, फिटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि हमें यहाँ पर बताया गया है एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों चीज़ें हमारे अंदर और साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, यानी हम फिजिकली भी फिट हों, मेंटली भी फिट हों और साइकोलॉजिकली भी फिट हों। फिजिकली के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एनाटोमिकल और फिजियोलॉजिकल, यानी कि हमें पता होना चाहिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे कौन से बॉडी पार्ट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर रहते हैं। साइकोलॉजिकल हम देखते हैं कि जब हम वार्मिंग अप हो जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है और ये कॉन्फिडेंस हमें एक तरीके से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देता है। इसी तरीके से न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेट, यानी कि हमें अपनी बैलेंस डाइट को बराबर रखना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस चीज़ की कमी आ जाती है, फॉर एग्जांपल्स फ्रैक्चर होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं जहाँ पर डाइट के अंदर अपनी बॉडी में कैल्शियम की, फास्फोरस की या विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की कमी होने की वजह से अक्सर इंजरीज हो जाती हैं। आप बड़े लेवल पर जब देखते हैं आपको तो वहाँ तो आपको कोई इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की यानी
कमी नहीं नज़र आती है, लेकिन जो अब हम नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी होती है, लेकिन एक प्रेशर होता है ऑर्गेनाइजर्स पे भी कि उन्हें टूर्नामेंट को कंप्लीट कराना है, तो इस वजह से वो उन फैसिलिटीज़ को इग्नोर करते हुए टूर्नामेंट कंप्लीट कराते हैं, जिसकी वजह से कई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं। इंजेक्शंस ऑफिशियल, उसके अलावा नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पहनना, हमें जो भी इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं नेचुरल गेम्स की डिमांड थी, उसकी सेफ्टी की ज़रूरत थी, इसलिए बनाए गए हैं, तो हमें वहाँ पर पहनना चाहिए, ना कि बल्कि हमें प्रैक्टिस ही उनको पहनकर करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी उनकी हैबिचुअल हो सके। प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिक, थकान की कंडीशंस के अंदर हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटिसिपेशन पावर क्या हो जाता है उसके अंदर कम हो जाता है और इसकी वजह से हमें थकान होने लगती है, तो हमें उस जगह पर रिकवरी एंड रेस्ट का सिद्धांत फॉलो करना चाहिए, रेस्ट एंड रिकवरी का सिद्धांत हमें फॉलो करना चाहिए, यानी आराम करें थोड़ा और फिर उसके बाद उसको ऊर्जा को संचालित करें। प्रेशर्स ऑफ कंपटीशंस, कंपटीशन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से भी अक्सर आदमी एक नॉर्मल कंडीशन को भी काफ़ी बर्डनफुल अपने ऊपर ले लेता है, तो यहाँ पर हमें साइकोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा फिट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम, गेम के दौरान हमें पूरी केयर के साथ गेम पर उतरना चाहिए, अगर हम कोई भी केयरलेसनेस रखते हैं खेलते हुए तो ये चांसेस हमारे बन जाते हैं कि हम ड्यूरिंग द मैच इंजर्ड हो सकते हैं। इसी तरीके से इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, वही है ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, मसल्स का हमें सबसे सही तरीका ये देखिए कि हम मसल्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही करें, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के दौरान तो करना ही है, साथ साथ हमें टूर्नामेंट भी लंबा खेलना है, हमारा सेशन पूरा गुजारना है साल भर का, तो हम अपने मसल्स की अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन नहीं डालें। एक्सेसिव रिपीटेशंस और मूवमेंट इज़ आल्सो द मेन कॉज ऑफ इंजरीज, यानी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन डालना अपनी बॉडी पर, ये भी सबसे बड़ा रीज़न रहता है इंजरीज का। जनरली रेसर्स, स्विमर्स और टेनिस प्लेयर्स में फॉल प्रे टू इंजरीज, यानी रेसर जो हैं उनके ऊपर मैं ये मानता हूँ कि ये जो ओवर मसल्स का है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस कोर्स को समझना, कि अगर वो इंजरीज से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रनिंग का शेड्यूल होना चाहिए, ना कि वो रेगुलरली हार्ड वर्क करें। भाई एक क्रिकेटर है, वो दौड़ता है, जब तक वो खेल रहा है उसको रेस्ट मिल जाता है बीच के अंदर, उसको फील्डिंग के दौरान रेस्ट मिल जाता है, तो उसके मसल्स पर इंड्योरेंस तो होता है लेकिन वो टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर रेसर है और स्विमर है तो इन लोगों को रेगुलरली रनिंग करनी है, स्विमर को भी काफ़ी लंबी लंबी स्विमिंग्स होती हैं, कई अक्सर लंबे होते हैं रेसर्स, मैराथन रेस वाले और जो होते हैं इनको भी काफ़ी लंबी रनिंग्स करनी पड़ती हैं, तो ये लोग अपनी मसल्स को तो यूज में लेते हैं, साथ साथ इनकी एनर्जी के साथ साथ इंड्योरेंस भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा दबाव इनके ऊपर पड़ता है, तो ये उसको टॉलरेट अक्सर मसल्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है। तो हमें रेसर को, स्विमर को, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेनिंग के दौरान या मैच के दौरान हम ओवर ज़्यादा ना हो, हम अपनी ऊर्जा फाइनल जो स्टेप्स हैं, फाइनल जो राउंड है उसके लिए थोड़ा बचा करके रखें। दे मे गेट वेरियस इंजरीज सच एज टेनिस एल्बो और शोल्डर्स इन पिगमेंट्स, अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा